कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि हम मूवी देख रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं? खैर, ये हम लोग जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं, नो डाउट। DDLJ मेरी फेवरेट मूवीज़ में से एक थी, और मुझे याद है कि जब हम लोग अपनी स्कूल लाइफ में ये मूवीज़ को देखने जाते थे तो, और उसके गाने सुनते थे, तो एक अलग ही तरह का एक जुनून था और रोंगटे खड़े हो जाते थे उस गाने को सुन करके। आज भी जब उन गानों को सुनते हैं और म्यूज़िक को सुनते हैं तो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, हमारे बचपन की और हमारी यूथ की। आपकी भी यादें होंगी। अगर ये मूवी नहीं देखी है तो इसे देखना जरूर, बहुत प्यारी मूवी है, बड़ी अच्छी म्यूजिकल और बड़ी मस्त स्टोरी है। और खास तौर से सिमरन का बापू, वो तो मुझे खास ही पसंद है। जा जी ले अपनी जिंदगी। न जाने कितने डायलॉग और कितनी बात और कितने सीन इस मूवीज के अमर हो गए। और उसी के साथ एक सीन और भी अमर हुआ, जो था सरसों के खेत का, जहां शाहरुख खान बाहें फैलाए खड़े हुआ है। तब नहीं सोचा था मैंने कि आज जो मैं फूल देख रहा हूँ, कभी ये फूल पढ़ने भी होंगे और कभी इन फूल में मुझे कुछ ऐसा रिलेशन भी देखने को मिलेगा कि मुझे याद आएगी DDLJ। आज जब हम लोग फूल की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि DDLJ का, और सरसों का खेत, और सरसों के फ्लावर। आज याद आता है कि ये फ्लावर कितना आइडियल था पढ़ने के लिए, फ्लावर का स्ट्रक्चर, बॉटनी। और वही स्ट्रक्चर जैसे क्वेश्चन नंबर 125 में दे रखा है। इंडीड 125 क्वेश्चन को देखने के बाद में जो पहला विचार आया मुझे, सरसों के खेत के उन फूलों का ही विचार आया, जहां पे वो बड़े प्यारे से फूल, बड़े मस्त से, जैसे कि अब मुझे बता रहे हैं क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। इंडीड आई फ्लाई में सिर्फ अप्रोच काफी नहीं है, नॉलेज काफी नहीं है, एक एटीट्यूड भी है जो रिक्वायर्ड है। और ये एटीट्यूड जो हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट और फास्ट और एफिशिएंट वे में जनरेट करते हैं और साबित करते हैं इस बात को कि आई फ्लाई के साथ बन जाएगी बात। और ये मेथड है बहुत सेफ, नेट को क्वालिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए, क्योंकि अब क्वेश्चन और वर्ड्स केवल किताबों तक सीमित रहने वाले नहीं है, ये सब चीजें बाहर निकलने वाली हैं, खेतों में घूमेंगी, गाने बजाएंगी, गिटार के तार हिलाएंगी। अब जब भी हम लोग इन सब्जेक्ट्स को देखेंगे, इन टॉपिक्स को देखेंगे, तो मन में कोई ना कोई तो धुन बजेगी और कुछ ना कुछ तो याद आने वाला है। और जो भी याद आने वाला है उसके साथ फिर पढ़ाई मुझे भूलने वाली नहीं है, भला कैसे फिर ये इंटरेस्टिंग पढ़ाई मुझे बोरिंग लग सकती है। यही तो है बात आई फ्लाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है, मैच द टू कॉलम्स दैट रिप्रेजेंट प्लांट ऑर्गन्स एंड पार्ट्स विद इन दीज ऑर्गन्स। कॉलम वन में हमें प्लांट के कुछ ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं, जबकि कॉलम टू में उन ऑर्गन से रिलेटेड कुछ पार्ट्स के, हमें इनको मैच करना है। ये सभी ऑर्गन्स फ्लावर का पार्ट है, तो इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्लावर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। फ्लावर्स बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। फ्लावर्स में चार पार्ट्स होते हैं, जिनमें कि आउटर मोस्ट पार्ट को सेपल, उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को पेटल्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को एंड्रोशियम, और सबसे अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं गाइनेशियम। इसमें एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जबकि गाइनेशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक फ्लावर मेन प्लांट से एक स्टॉक की हेल्प से अटैच्ड होता है, जिसे हम कहते हैं पेडिसिल। इसी पेडिसिल के थ्रू वेस्कुलर सप्लाई इस फ्लावर तक पहुंचती है, जिसकी वजह से इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। फ्लावर के चारों पार्ट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। इन पैटर्न्स को हम कहते हैं वर्ल्ड्स या सर्कल्स। इसमें जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है ये बना होता है सेपल्स का, और इन सभी सेपल्स को कॉम्बिनेशन में हम कैलिक्स कहते हैं। उसके अंदर नेक्स्ट वर्ल्ड है कोरोला, दैट मीन्स पेटल्स का। थर्ड इनर वर्ल्ड बना होता है सभी स्टेमेंस का, दैट इज एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और इनर मोस्ट वर्ल्ड होता है गाइनेशियम, दैट इज कार्पल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का। आउटर मोस्ट टू वर्ल्ड नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, दैट मीन्स इनका काम रिप्रोडक्शन में तो नहीं होता, बट हाँ रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प जरूर करते हैं। इनमें जो सेपल्स होते हैं ये इस फ्लावर को उस फॉर्म में, जब ये बर्ड होता है दैट मीन्स डेवलपिंग फॉर्म में होता है, उस समय ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जबकि पेटल्स इसके शोई पार्ट होते हैं, दैट मीन्स पेटल्स का मेन फंक्शन होता है कि वो पोलिनेटर्स दैट इज इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करे, जिससे कि उसके मेल गैमेट्स उसके फीमेल पार्ट तक पहुंच सके एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन हो सके। तो बेसिकली फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स है, और इसके मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स मेल और फीमेल गैमेट्स बनाती हैं रेस्पेक्टिवली, एंड उनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके अंदर सीड्स बनते हैं। फ्लावर का जो थर्ड वर्ल्ड है दैट इज एंड्रोशियम या फिर मेल ऑर्गन्स, ये बेसिक यूनिट जिसके बने होते हैं उसको कहते हैं स्टेमेंस या फिर माइक्रोस्पोरोफिल। अगर हम फ्लावर के बाकी सब वर्ल्ड्स हटा दें,
एंड्रोशियम को छोड़ के, तो ये कुछ ऐसे नजर आते हैं। हमने जो फ्लावर यहाँ पर कंसिडर किया है ये एक सरसों फैमिली का फ्लावर है, ब्रासिका, सरसों जिसे आप जनरली जानते हैं। इसमें 6 स्टेमन्स होते हैं और डिफरेंट तरह के फ्लावर्स में इन नंबर, साइज, शेप और फॉर्म वेरी करता है। एक स्टेमन कुछ ऐसा नजर आएगा और इस स्टेमन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। इसका बेस बना होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं, और ये फिलामेंट एंथर को, दैट मीन्स उसके टिप को, इस अपराइट पोजिशन में होल्ड करके रखता है। स्टेमन का टिप बना होता है एक स्वोलन स्ट्रक्चर का जिसको कहते हैं एंथर। जनरली मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स में जो एंथर है ये 2 थीका या फिर लोब्स का बना होता है। हर थीका, दैट मीन्स लोब्स, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया का बना होता है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में इनिशियली माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, जिनमें मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर्स बनाए जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स इनिशियली माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस के बाद 2 या 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स जब अपने करेक्ट लोकेशन पर, दैट मीन्स स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, तो वहां ये जर्मिनेट करते हैं और ये जर्मिनेटिंग ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में और ओवरी के थ्रू ओव्यूल में पहुंचती है जहां पर वो एग सेल से फर्टिलाइज करती है। तीसरा पार्ट होता है स्टेमन का कनेक्टिव, जो कि फिलामेंट का एक्सटेंशन है जो एंथर के 2 लोब्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। साथ ही पेरेंट प्लांट से न्यूट्रिटिव स्ट्रेंथ, दैट इज वेस्कुलर सप्लाई भी यहाँ पर उसको देता है। फ्लावर का इनरमोस्ट वर्ल्ड होता है गाइनीशियम, जो कि कार्पल्स, दैट इज मेगा स्पोरोफिल्स का बना होता है। एक कार्पल 3 बेसिक पार्ट्स की बनी होती है। हालांकि अलग अलग फ्लावर में इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, बट ये हम सरसों फ्लावर के लिए स्टडी कर रहे हैं। इसका जो बेस है ये एक इलोंगेटेड स्वोलन स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं ओवरी। ये ओवरी आगे एक्सटेंड हो जाती है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं स्टाइल, और इस स्टाइल का जो टिप है यहाँ पर ये सोलन दिखाई दे रहा है, अदरवाइज बहुत वेरिएशन इसमें मिलता है। ये कैपिटेट हो सकता है, ये फेदरी हो सकता है, ये पॉइंटेड हो सकता है, तो ये कहलाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा वो एरिया है जहां पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं और यहाँ जर्मिनेट करते हैं। सो दिस पार्ट इज ओवरी। अगर हम ओवरी को लॉन्गिट्यूडनली कट करें सेक्शन में, तो हमें नजर आते हैं ये छोटे छोटे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल्स ओवरी में खास तरह के स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा एक्चुअली इस प्लांट से जो वेस्कुलर सप्लाई है वो उसको ट्रांसफर करता है टू ओव्यूल्स, जहां पर वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ना सिर्फ ये स्टोरेज फूड मटेरियल बल्कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को भी न्यूट्रिशन देते हैं। ये प्लेसेंटेशन बहुत तरह का हो सकता है प्लांट में, जिसके बेसिस पे हम इन प्लांट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिविजन होता है और वो 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनाती है। इन मेगास्पोर्स को, जिन्हें हम आगे जाकर एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, जो कि हैप्लॉयड है, ये माइटोसिस से डिवाइड करती हैं और 2 माइटोसिस के बाद ये बन जाती हैं 4 न्यूक्लियेट 7 सेल स्ट्रक्चर। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियाई 2 माइटोटिक डिवीजन के बाद ये बन जाती हैं 8 न्यूक्लियेट 7 सेल स्ट्रक्चर्स। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 7 सेल्स। इसमें जो एक बड़ी सेल होती है, सेंट्रल सेल जिसे हम कहते हैं, इसी सेल के अंदर बाकी 6 सेल्स और अरेंज हो जाती हैं, जिसमें एक पोल की तरफ 3 सेल्स अरेंज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल्स, और इस एंड को, जिधर की तरफ ये एंटीपोडल सेल्स अरेंज होती हैं, इसे कहते हैं चलाइजल एंड। जबकि इसके ऑपोजिट पोल पर 3 सेल्स अरेंज होती हैं, जिनमें एक बड़ी लार्ज सेल जिसको न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा दिया गया है, उसे कहते हैं एग सेल, जो कि बाद में फर्टिलाइज होकर जायगोट एंड फाइनली एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगी। जबकि बाकी 2 सेल्स जो कि इस डेवलपिंग जायगोट एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देंगी, उन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स। ये तीनों सेल्स मिलकर कहलाती हैं एग एपरेटस, और वो एंड जिस तरफ ये सिचुएटेड होती है उसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। एक्चुअली इसी एंड की तरफ से जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब एंटर करती है, यहाँ आकर एग न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करती है। एंजियोस्पर्म में जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब में 2 स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, जिनमें से एक स्पर्म न्यूक्लियाई एग सेल को फर्टिलाइज करता है, जबकि दूसरा स्पर्म न्यूक्लियाई सेंट्रल न्यूक्लियाई या फिर पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है। इसीलिए एंजियोस्पर्म के जो फर्टिलाइजेशन है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एग सेल, जो कि एक हैप्लॉइड सेल है, जब वो फर्टिलाइज करती है एक स्पर्म सेल से जो कि अगेन हैप्लॉइड है, तो ये एक डिप्लॉइड जायगोट बनाती है।
लेकिन पोलर न्यूक्लियर जो ऑलरेडी डिप्लॉयड था, जब वो फर्टिलाइज करता है एक और स्पर्म हैप्लोइड न्यूक्लियर से, तो ये ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है। आगे जाकर एंटीपोडल सेल डेवलपिंग एंडोस्पर्म में पार्टिसिपेट करेंगी, जबकि पोलर न्यूक्लियाई ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाएंगी। एग सेल जायगोट और अल्टीमेटली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी और सिनर्जिड्स इज डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने की वजह से डीजेनरेट हो जाएंगी। ओवरी के ऊपर जो एक ट्यूबुलर एक्सटेंशन है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, और इस स्टाइल का जो टिप है दैट इज स्टिग्मा। तो अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कार्पल के लिए जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। पैरियंथ के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन है पेटल्स और कोरोला। माइक्रोस्पोरोसाइट दैट मींस मेल गेमीट की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये दो सेल का बना होता है जिसमें एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जेनेटिव सेल। जबकि मेगास्पोरोसाइट जिसे कि हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, वो बना होता है तीन एंटीपोडल सेल्स टूवर्ड्स चलाइजल एंड, दो पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंटर सेल में है, और तीन और दो सिनर्जिड्स जो कि एग एपरेटस का पार्ट है। तो अब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्या लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, अब ये क्वेश्चन तुम्हें डरा रहा है या ये क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है कि जा जीले अपनी जिंदगी सिमरन? वाओ मैन, अगर चीजें ऐसे पढ़ने को मिल जाएं तो कैसे ये चीजें टर्म्स बन के रह जाएंगी, ये तो दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी ना। अब करना क्या है, जस्ट इस वीडियो को अपने मोबाइल में प्ले करो, सरसों के खेतों में जाओ, बहुत आइडियल मौसम है अभी इस टाइम। देखोगे बाहर जा करके तो सरसों के खेतों में फूल खिले होंगे, जहां अगर आपके पास सरसों के खेत अवेलेबल हैं तो। और फिर उसके साथ उन फूलों को और DDLJ की धुनों को सुनते हुए पढ़ने की शुरुआत करो, और फिर पाओ कि पढ़ाई में एक अलग ही रंग है, उमंग का रंग, जिंदगी का रंग। और इंडीड जब जिंदगी रंगीन हो, गानों से भरपूर हो और म्यूजिकल हो, तो फिर एग्जाम तो मजेदार होगा ही ना, उस दिन तो शो होगा तुम्हारा। इनकी डाई फ्लाई क्लासेस घर पे बैठ के करने वाली क्लासेस हैं, स्काइप पर होने वाली क्लासेस हैं, व्हाट्सएप पर आपके एंजॉयमेंट के साथ, जहां आपको आपके तरीके से सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग पढ़ाई को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और जिंदगी की बातों को हम पढ़ाई में डाल सकते हैं। और जब जिंदगी और पढ़ाई एक सूत्र में बन जाती है, तो फिर एग्जाम का क्वेश्चन अपनी धार खो देता है, और फिर हम उस क्वेश्चन को समझ पाते हैं और क्वेश्चन को हम कर पाते हैं बड़ी आसानी से, जैसे कि वो मेरे जिंदगी में हर रोज होने वाली एक घटना थी। इंडीड ऐसा लगता है उस क्वेश्चन को देख करके कि ओ, इसको तो देख करके मुझे कितनी सारी यादें ताजा हो रही हैं, और तब स्ट्रेस कम और एंजॉयमेंट ज्यादा होता है एग्जाम वाले दिन। इससे अच्छा और क्या होगा कि अगर मेरे सामने पढ़ाई की किताबें ना आती हों, बल्कि मेरे सामने आती हों मेरी डेली लाइफ चीजें, मुझे मालूम पड़ता हो कि चीजें कैसे कोरिलेट कर रही थी। आई फ्लाई के अंदर हम लोग यही सिखाते हैं, सप्ताह में कुछ दिन क्लासेस होती हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं। आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9013902981 व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम लोग गाइड करेंगे क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है। अगर ये सॉल्यूशंस और ये वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बड़ी सी घंटी के साथ, और जहां भी शेयर करना चाहते हो फेसबुक व्हाट्सएप G+, एंजॉय कीजिए आई फ्लाई क्लासेस को आई फ्लाई नेट गेट के साथ। और जानकारी के लिए विजिट कीजिए iflynetgate.com को। आप मुझे मेल लिख सकते हो saplingajutek@gmail.com पर, या फिर आप मुझे मैसेज भेज सकते हो 9013902981। हम लोग आपकी लाइफ में कैटलिस्ट हैं, और कैटलिस्ट ना सिर्फ सपनों को पूरा करने के लिए, बल्कि जिंदगी में नई आस उठाने के लिए, नए फूल खिलाने के लिए और नई धुन सुनाने के लिए। थैंक यू।